हम आज बात करते हैं हॉटस्टार के नई वेब सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। इसके प्रधान पात्र में है विक्रांत मेसी। ये पहले भी बहुत फिल्म्स कर चुके हैं, लेकिन उसको लीड रोल्स मूवीज़ में नहीं मिला। लेकिन इस वेब सीरीज़ में उसका पात्र बहुत विशेष थी है और उसने बहुत अच्छा काम किया। इस स्टोरी है आदि का। आदि एक MBA स्टूडेंट है और उसके पापा और उसके दीदी एक कैब सर्विस चलाते हैं। उसी के वक्त वो किसी लड़की आदि के कार में बैठती है और उसकी डेस्टिनेशन जाने के बाद आदि ने उस लड़की के घर पहुंचते हैं। उसी के बाद कोई ड्रग्स के कारण आदि को अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद उस लड़के का मौत हो जाता है। आदि को बहुत स्केयर होता है। उसी वक्त पुलिस आ जाता है और आदि को अरेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आदि वो मर्डर किया या नहीं हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन सब यकीन करते हैं कि आदि ने भी ये मौत किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक एक्यूज्ड का फैमिली कैसे इफेक्ट हुए है वो इस वेब सीरीज़ में बहुत अच्छे से दिखा दिया हमको। क्योंकि इसको दोनों पापा उसकी पापा और माँ माँ के माँ और उसकी बहन में ये असर बहुत बुरी तरह से पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी ने मीडिया ने और उसकी नेबर्स सब लोग उसकी कुटुंबी की उसकी फैमिली को भी एक मर्डरस जैसा दिखना जाता है, लगना जाता है। और एक और बात यह है कि इसमें एक सीन है वहाँ पे ये फैमिली आदि के देखने में जेल जाता है। वहाँ पे रूल्स भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसने वो द सिक्योरिटी चेकअप कैसा तरीके से करता है वो बहुत बैड तरह से है। लेकिन मैं एक बात करती हूँ, इसमें जाकी श्रॉफ की कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है और वो इस कैरेक्टर्स ने अच्छे से कर दिया। लेकिन मैं ये सारा वेब सीरीज़ देखने के टाइम मुझे एक और मूवी याद आ गया। उस मूवी का नाम शशांक रिडम्पशन। ये एक इंग्लिश मूवी था, बहुत लाइक 10 ईयर्स पहले ये रिलीज़ हो गई और वो भी बहुत अच्छी फिल्म थे। मैं इसी कारण मैं कंपेयर करती हूँ, क्योंकि इस दोनों ही फिल्म में हीरो एक अक्यूज रहते हैं लेकिन वो इनोसेंट है। दोनों फिल्म्स में ऐसे ही कहानी है और वो अपने आप की होप को वो क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ता। वो मुझे अच्छा लगा इस वेब सीरीज़ में। और इस वेब सीरीज़ में एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 9 आवर्स की वेब सीरीज़ ही है। लेकिन उसमें बहुत सारा अननेसेसरी सीन्स एडिटिंग किया हो गया, इसीलिए वो हमको बोर नहीं करती। और इस थ्रिलर वेब सीरीज़ को एक बात पक्की होनी चाहिए, उसने उसकी वो थ्रिलर एलिमेंट रहती है ना, वो उसको निभाना पड़ता है। कभी भी रिवील नहीं हो कभी रिवील नहीं होना चाहिए। तो ये बात मुझे अच्छा लगा इस वेब सीरीज़ में। और इसमें अदर एक्टर्स है वो आदि आदि का बहन कैरेक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें हीरोइन अनुप्रिया भी है, वो भी उसका कैरेक्टर थोड़ा कम थी लेकिन वो अच्छे से किया। ये वेब सीरीज़ एक बार वॉच कर सकते हैं हम, ये वन टाइम वॉचेबल है।